से बहुत ही प्यारा और खूबसूरत जबरदस्त बहुत ही प्यारा पप्पू बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैर खरियत से होंगे। अलग फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। मैं दुआ करती हूँ मैं जो भी बहन भाई किसी दुख तकलीफ में अल्लाह ताला उनको सेहत दे और खुश रखे, इसी दुआ के साथ आज वीडियो शुरू करते हैं। तो आज वीडियो बहुत ही अच्छी होगी, आपने हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहना है और हमारी वीडियो को एंड तक देखना है और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और हमारी वीडियो भी कम देख रहे हैं तो आप उसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो शेयर किया करें अपने रिश्तेदारों में, अपने बहन भाइयों में, हर जगह हमारी वीडियो शेयर किया करें। तो आज की वैसे आज जुमे का दिन है तो हमारी तरफ से आप सब बहन भाइयों को जुम्मतुल मुबारक हो। और आज हमारे पास कुछ मेहमान भी आए हुए हैं तो वो वीडियो में तो नहीं आते, उनको तो नहीं मिलवाएंगे, लेकिन छोटी सी एक नन्ही सी बच्ची है, बहुत ही प्यारी है, वो हमारे पास अक्सर आती रहती है, हमारे घर के साथ हम रहे हैं ना, उनकी बेटी है माशाल्लाह से। तो वो मुझे इतनी प्यारी लगती है, इतनी प्यारी लगती है, मैं उसको उठाती हूँ। मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं ना ऐसे मेरी अल्लाह ताला मुझे भी एक ऐसे बेटी दे जैसे ये बच्ची है, बहुत छोटी सी है, बहुत ही प्यारी है माशाल्लाह से। तो उससे भी इंशाल्लाह मिलवाएंगे। और अभी मैंने किचन में से झाड़ू लगाया है क्योंकि अभी शाम का टाइम भी होने वाला है, खाना वगैरह बनाएंगे जो वो भी अभी सब अभी तो कोई नहीं जान जाएगा, जो कोई सब्जी अपनी तोड़ेंगे या कोई ना कोई चीज़ बनाएंगे तो वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। और उस्मान अभी ना चला रहे अपनी गाड़ी, उसको भी दिखाते हैं। उस्मान उस्मान की गाड़ी टूट गई है, बस ये ना आप कहते हैं कि मुझे और साइकिल लेकर दे, तो आप इंशाल्लाह साइकिल लेकर देंगे क्योंकि माशाल्लाह बहुत ही प्यारी, बहुत ही गुड़िया की जैसे लगती है, बहुत ही क्यूट है, बात इतनी करती है आपको क्या ही बताएं। अपनी वीडियो में आप ये करे ना करे शर्मा जाती है, लेकिन वैसे इतनी बातें करती है। और उस्मान अपनी गाड़ी को लेकर घूम रहा है, उसका फील है नहीं उस्मान। अमन मेरी बेटी बनोगी? बताओ बनोगी? मैं आपको प्यारे प्यारे कपड़े लेकर दूंगी, प्यारे प्यारे जूते लेकर दूंगी, सब कुछ। साइकिल आपके पास नहीं है तो मैं साइकिल भी लेकर दूंगी, ठीक है? मेरी बेटी बनोगी? अच्छा तो सुमान की बहन बन जाऊंगी, ठीक है? हाँ ये कहते बनूंगी ऐसे माशाल्लाह बहुत प्यारी है। उस्मान बहुत ज्यादा खुश होता है इसको देख के, ये भी खेलता है इसके साथ ऐसे ना, ये देखिए हंस रहा है माशाल्लाह दोनों प्यारे हैं माशाल्लाह। उमर भाग्य उमर भी इनके साथ खेलता है माशाल्लाह, जो देखिए छोटी सी है, इसके बाल भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हैं बेटी के। यहाँ रोज आ जाती है घर के, जो आगे वाले घर है ना इनका है, तो उस्मान और उमर के साथ में खेलने के लिए आते हैं माशाल्लाह। चलो खेलो खेलो दोनों खेलो, उस्मान और दोनों खेलेंगे, चलो खेलो इसके साथ खेलो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे, अल्लाह करम से हम भी ठीक हैं। तो वसीम भाई ने ना कुछ लिया हुआ है, क्या लिया हुआ था? कोल्ड ड्रिंक ले आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? बोतल ले आए हो? अच्छा तो पूरे सर्दियों में हम बोतल नहीं लेते, लेकिन आज वसीम भाई ले आया क्योंकि आज आए हुए हैं हमारे पास कुछ मेहमान। और बेगम साहब इधर खड़ी हुई है, क्या कर रही हो? मुझे नीछे छोड़ दो, मैंने इसे फिर उठाया हुआ था, फिर मैंने इसे छोड़ दिया। उमर क्या कहता है? उमर उमर कहता है कि मुझे कोट पहनाओ। भला मैंने कहा अभी गर्मी है, अब ना कोट के पहनने की ना वो मौसम नहीं है, चलो पहना देती हूँ पहना देती हूँ पहना देती हूँ, उधर पड़ा हुआ वो पड़ा हुआ उठाओ। अच्छा तो आज मैंने कहा है कि चलो बेगम के साथ आज मैं भी वीडियो बना लेता हूं। सब बहन भाई पूछ रहे हैं कि वो ना आपके शोर वीडियो क्यों नहीं बनाते साथ। मैंने कहा अब माशाल्लाह आपकी कमर का कुछ दर्द है तो सही, लेकिन कुछ कम हो गया। हाँ कुछ कम हो गया तो आज इंशाल्लाह ना अब ना हम साथ मिलकर ना व्लॉग बनाया करेंगे। बहुत ही अच्छा, जैसे पहले बनाते थे ऐसे ना। उस्मान उस्मान बेबी भी खड़ा हुआ है ऐसे, क्या करे वहाँ? इधर देखो उस्मान तो बहुत प्यारा बना हुआ है ऐसे ना। तो आप सब बहन भाई कहते हैं कि उमर क्या वीडियो ना कम बनाते हैं, लेकिन उमर ना वीडियो में आता नहीं है, ये बच्चों के साथ खेलता रहता है। अभी उसके दोस्त आए हुए हैं और ना वो खेल रहा है उनके हाँ, साथ आता नहीं है आता नहीं है। तो ये देखें जी वसीम भाई कोक की बोतल ले आया है ऐसे ना। उमर पियोगे? हाँ। सलाम करो इधर। क्या कर रहे हो? दोस्त के साथ खेल रहे हो? तो इसका दोस्त आया उसके साथ खेल रहा है अभी। उमर क्या कह रहे हो? कबूतर। अच्छा कबूतर ना असल में वो
ऊपर बैठा हुआ था, वो कहता है कि उतार दिया है दादू जी ने। हाँ, कपड़े उतारे हैं। हाँ, कपड़े मैंने धो के खड़ाए थे ना, वो मैंने कहा उतार के रख दूं अंदर। अच्छा, अभी शाम हो गई है ना, तो मैंने कहा अभी। हाँ, तो आज ना वसीम भाई घर की वीडियो बना रहा था, तो मैं सोच रहा था कि मैं आज वीडियो बनाऊंगा वसीम भाई के घर की, लेकिन आज उसने बना ली है। अच्छा। तो इंशाल्लाह कल हम उसके घर का विजिट करवाएंगे आप सब बहन भाइयों को। जी जी। तो आज वसीम भाई की वीडियो में देखना। हाँ ठीक है, हम कब से कह तो रहे थे बनाएंगे बनाएंगे, फिर हमने नहीं बनाया, मैंने कहा पहले वसीम बनाए बाद में। हाँ अच्छा, आज बना क्या रहे हो फिर खाने में? आज कोई पता नहीं है क्या बनाएंगे, सब्जी कोई है नहीं आज। तो शाम का टाइम होने वाला है, वो जो भूंग रहे हैं वो तो लगे हुए हैं, मैं तो क्योंकि रात जो है ना हम मेथी बनाई थी, आज भूंग रहे खाने का दिल नहीं है, आज कोई और सामान बनाएंगे। क्या बनाओगे? गोश्त इतना महंगा है, कौन ले आएगा? अब्बू जी कह रहे थे कि 600 रुपये किलो गोश्त हो गया है, काफी महंगा है। चलो फिर रखो कपड़े, कुछ सोचते हैं क्या बनाते हैं। और बेगम साहबा कह रही है कि मुझे ना ये एक कमरा ना वो इसको कलर कर, हाँ कलर कर दो। तो मैंने कहा कि मुझसे अभी नहीं होता, थोड़ा इंतज़ार करो फिर इंशाल्लाह करेंगे। तो लेकिन पहले जो हमारा चैनल था ना वो ठीक होता ना, क्योंकि उसकी पेमेंट भी मुश्किल ना होती। हाँ, उसकी पेमेंट भी आ जाती तो फिर इंशाल्लाह हमने जो सोचा हुआ था ना कि इस घर को भी पेंट करवाएंगे, लेकिन हमारे पे वो पैसे है ना रुक गए थे, तो अभी तक वो नहीं मिले, तो इसलिए फिर मैंने कोशिश तो की, मैंने कहा चलो एक कमरा मेरा ना कलर हो जाए जो हम जिसमें रहते हैं, तो वो हाँ वीडियो वगैरह बनाने के लिए ना आसानी हो जाती है, क्योंकि अंदर अंधेरा होता है रात के वक्त वीडियो बनाए, क्योंकि शादी आ रही है ना, तो शादी के मौके पर फिर वीडियो जबरदस्त बनती, क्योंकि मतलब अंदर भी बना सकता है फिर बाहर भी बना सकता है, तो क्योंकि इतना मोबाइल अच्छे भी नहीं है हमारे पास, फिर मसला होता है वीडियो बनाने के लिए। चलो ठीक है, तो जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। चलो चलो ठीक है, ये देखें जी उस्मान शहजादे को। हेलो जी, क्या उठाया हुआ है? सारा दिन भागता है, थकता बिल्कुल नहीं है। क्या कर रहे हो ऐसे, बड़ा नहीं होना? हाँ ये देखिए, ये उठा रहे के आ रहे हैं जो पत्थर है ना वो हाँ, उसके टुकड़े उठाए हुए हैं इन्होंने, उसके साथ खेल रहे हैं, इसके अंदर डाले हुए हैं। ये देखिए, ये एक साथ खेलता रहता है उस्मान, एक मिनट नहीं बैठता सारा दिन। चलो धो लो फिर बर्तन। हाँ, वो चाय वाली देखची देखें जी, अच्छा बेगम का काम है या देखची का काम है, क्योंकि शबाना सारा दिन चाय बनाती है, मिस्त्री भाई इधर लगे हुए हैं ना, वसीम भाई का काम करते हैं। आज तो जुम्मे का दिन है, आज तो नहीं आए, लेकिन ना तकरीबन चाय पीते हैं हमारे घर वाले सब, लेकिन उनके लिए भी 5-6 बार बनानी पड़ती है, मूल दूध लेते हैं क्योंकि अभी दूध हमारा नहीं है। हाँ वसीम भाई ले आता है, फिर चाय बना के देनी पड़ती है, तो बस 3-4 दिन है, ओके सोके जो होता है ना वो कहते हैं ना कि काम हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, हाँ। 3-4 दिन नहीं, 10 दिन लगेंगे। नहीं याद है जो ना आते हैं ना, हाँ ज्यादा जो बंदे आते हैं ना काम करने वाले वो, हाँ काम हो जाएंगे, काम हो जाएंगे, क्योंकि 2-3 बंदे होंगे, रोटी वगैरह भी बनानी पड़ती है ना। चलो जी अभी आपको बाहर से वसीम भाई का घर दिखा देते हैं, ये देखें इस साइड से हमारी तरफ से माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर किया है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, ये देखें, और इंशाल्लाह कल आपको अंदर से भी दिखाएंगे इनके काम। देखें जी ये अभी कपड़े वगैरह गंदे कर देंगे ऐसे उस्मान। हाँ क्या 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 किया हुआ है ये देखें, ऐसे उठाओगे कपड़े सारे गंदे कर दोगे। हाँ और उस्मान के देखें, इन्होंने खेल बनी हुई है, तो ये देखें माशाल्लाह से दीवारें वगैरह कलर हो गई हैं, ये सामने वाली भी हो गई है, और अभी ये वसीम भाई का डोर रहता है, इसको भी रंग करवाएंगे वसीम भाई कह रहे हैं, और ये सामने ये देखें जी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा और खूबसूरत ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा पप्पू बना हुआ है। हाँ तो आज आपने बनी है इंशाल्लाह, मैं कल मैं बनाऊंगा, तो मैंने कहा कि आज चलो वसीम भाई वीडियो डाल ले, तो अंदर से कल मैं दिखाऊंगा, ठीक है? आपका मैं इंतज़ार कर रहा था, तो वैसे मैं पहले वीडियो में नहीं आ रहा था, तो थोड़ी तबीयत ख़राब थी, आज कुछ बेहतर है तबीयत, मैंने कहा मैं खुद व्लॉग बनाऊं, क्योंकि व्यूज़ आ नहीं रहे, सब बहन भाई देखते नहीं हैं, तो क्योंकि नया चैनल है तो व्यूज़ नहीं आ रहे, थोड़ा सा मैंने कहा कि चलो सही है, कुछ सही है और सुनाए, ठीक है क्या कर रहे हो अभी? वीडियो बनाई है ऐसे, बस एक हफ्ते का काम बाकी बचा हुआ है वसीम भाई का, ये दीवारें वगैरह आती हैं,
ये ना हो जाएंगी ना कलर वगैरह, तो फिर इंशाल्लाह ये मुकम्मल हो जाएगा। बस एक एक चीज़ बच जाएगी, ये जो विंडो है वसीम भाई की, ये देखते हैं फिर क्या होता है, क्योंकि जेब खाली हो गई है वसीम भाई की। वसीम भाई ने माशाल्लाह से खुद से ये किया है सब कुछ। अम्मी अब्बू की दुआएं, हाँ भाई आपने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, हाँ माशाल्लाह से। अल्लाह पाक वसीम भाई के ये घर नसीब करे, बहुत ही प्यारा बना है, और जो भी देखता है उसको पसंद आता है। जब मैं YouTube पे आया हूँ तो फिर आप लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे, हाँ सब बहन भाई ने भी सपोर्ट किया। बस मेरे नसीब में नहीं था, पहला जो चैनल मैंने बनाया था तो मेरी भी ना भाई वो थी कि सोचा हुआ था कि मैंने कि वसीम भाई का जब घर बनेगा तो इंशाल्लाह मैं भी अपने घर को पेंट कराऊंगा, क्योंकि मेरे पैसे वो आ जाते, 3 महीने तो ऐसे गुजर गए हैं, तो जो पैसे मेरे वो उसमें थे तो अकाउंट में वो भी ख़त्म हो गए हैं, वो क्योंकि चैनल ख़त्म हो गया था ना, तो कोशिश तो है लेकिन वो अभी बन नहीं रहा, वो दिया हुआ है इंशाल्लाह वो बन जाएगा तो फिर पेमेंट निकल आएगी, लेकिन लगता नहीं है मुझे भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरी बात हुई है उस बंदे से, अच्छा वो कह रहा है कि 50-50 है, मुझे नहीं लग रहा क्योंकि वो देते तो 3 माह हो गए दे देते, अभी नहीं दे रहे। चलो फिर देखते हैं, उनको कुछ कहा तो नहीं सकते ना, हाँ कुछ कहा तो नहीं, गिल्ला भी नहीं कर सकते ना कि जल्दी करो ये हो गया वो हो गया, वो तो अपनी मर्जी से देंगे ना, वो तो अपनी मर्ज़ी से देंगे। बस वो चैनल मेरा ठीक था तो ये फिर नया बनाया तो शुक्र है मोनेटाइज भी हो गया, और अब सब बहन भाई माशाल्लाह से व्यूज़ तो अच्छे आ रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं है ना, अभी 2000 सब्सक्राइबर हैं, कुछ वीडियो किसी के पास जाती है तो किसी के पास नहीं जाती। और आज वसीम भाई बादल वगैरह बने हुए हैं ये देखें, और ये भी एक मैंने सोचा हुआ था कि मैंने मोबाइल लेना है, क्योंकि शादी से पहले तो वीडियो बहुत अच्छी बनेगी, मेरे पास मोबाइल ना गुजारे लायक है, तो वो क्या कहते हैं मेरी ना ख्वाहिश तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन एक ख्वाहिश भी पूरी नहीं हुई, मोबाइल भी लेना था और घर को पेंट वगैरह मैंने कहा करवा लेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला का करम है माशाल्लाह से। मैं आज नहीं दिखाऊंगा अपने मोबाइल में, अपनी वीडियो में, कल इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा ये सब कुछ। चलो ठीक है, हाँ अभी ना शाम का टाइम भी होने वाला, सूरज ना थोड़ा सा बच्चा हुआ है, ये देखें भेड़े मेरी, ये मेरा आदि है तो ये आ जाता है, क्या कर रहे हो जी, हाँ दूध पीना है, बहुत ही प्यारे होते हैं माशाल्लाह, क्वीट क्वीट होते हैं, क्या है हाँ आगे हो, अच्छा चुप कर गया, ये देखें ये कहता है कि मुझे दूध पीना है आपको, चलाओ। उम्मीद करते हैं आज के भी लोग आप सब बहन भाइयों को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।